हेलो गाइस, क्लास 7 के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि एक वीडियो रैखिक समीकरण में बननी चाहिए। तो देखिए, आज जो वीडियो चल रही है वो है रैखिक समीकरण। यानी किसी भी समीकरण में एक्स या वाई का मान कैसे निकालें। तो उसे निकालने के लिए क्या होता, जैसे कोई हमारी समीकरण है, ये 8x प्लस या फिर 8x माइनस के 23 बराबर, ये समीकरण है। और ये कह रखा है कि इसमें से एक्स का मान कैसे निकालें। तो इधर देखिए, यदि एक साइड से या बराबर के बाई ओर से कोई संख्या दाई ओर पहुंचाए या दाई ओर से बाई ओर पहुंचाए, तो वो संख्या का जो चिन्ह होता है वह बदल जाता है। जैसे इस संख्या में माइनस माइनस के 23 है, जब ये बराबर के उस पार जाएगी तो वह प्लस के हो जाएगी। 8x बराबर 1 और ये माइनस के, इधर जाके प्लस के होगी, और ये हो गया 8x बराबर के 23/1 24। और यदि कोई संख्या चर के साथ, ये चर होता है और वही संख्या अचर होती है। चर कौन सी होती है, जो ए से जेड तक जो भी संख्या आती है वह चर कहलाती है, और एक से लेकर डॉट 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 अनंत तक, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जो भी संख्या होती है वह अचर कहलाती है। अच्छा, तो यदि अचर संख्या के साथ कोई चर संख्या होती है तो वहां वह गुणा में होती है, वो काय में होती है, गुणा में होती है। और गुणा के साथ जो अचर संख्या होती है वह बराबर के उस पार भाग में जाती है, जैसे x बराबर 24/8। और यदि संख्या कट रही है तो काट दो, 8 8 और 8 3 24, तो हमारा एक्स का मान आता है 3। और यदि हमें यह देखना हो कि सवाल देखिए, सवाल क्या है, सवाल है किताब में 3x+2 बराबर 2x+7। इसमें हमें एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कि एक्स का मान निकालने के लिए एक्स एक्स वाले एक तरफ और जो बिना एक्स के हैं या जो अचर संख्या है वह एक तरफ होनी चाहिए। तो ये जो है इसे इधर ले जाइए और इधर इधर, और जब भी पक्षांतर करते हैं इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम पक्षांतर बोलते हैं, यानी संख्या का पक्षांतर। और पक्षांतर में क्या होता है, उनके जो चिन्ह होते वे चेंज हो जाते हैं। जैसे ये है 2 तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और 2x जो है वो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यह 3x-2x बराबर के 7x माइनस वो सात सात है माइनस के 2, ये आपका आता है एक्स और उधर आ गया आपका 5। और अगर आपको इसमें भी ये डाउट लग रहा है कि आंसर गलत है या सही है, तो इसका मान फिर से आप क्वेश्चन में लग सकते हैं, और LHS बराबर RHS आएगा तो आपका क्वेश्चन सही है वरना गलत है। तो उसके लिए देखिए, एक्स बराबर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना चाहिए ऐसे, तो एक्स बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर 3x+2 बराबर 2x+7, वो +7। अब इसमें एक्स का मान रखो 5+2 बराबर 2×5+7, 3 5 15, 15 2 17 बराबर 2 5 10, 10 7 17। तो यहाँ देखिए LHS बराबर आप आ गया RHS, इसलिए यह है क्वेश्चन सही है। अब देखिए, एक सवाल ऐसा आता है, ये क्लास 8 का सवाल है, जो सवाल है कहाँ, सवाल ये रहा, 5/2x फिर प्लस के 3 बराबर 21/2। इस सवाल को ध्यान समझिएगा,
एक्स वाली रही रहने दे, ये प्लस की उधर जाएगा माइनस की, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके हर एक होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका मैंने वीडियो में नंबर भाग 2 में बनाया है, भिन्नों का भाग यानी भिन्नों का अंतर यानी घटाव, उसमें भाग 2 है, उसमें आपको ये सवाल करने सिखाए थे, अगर किसी को याद हो तो वो वीडियो देख सकता है। बराबर इसकी इधर करते हैं, आप पता है किस का 21, 3 दुनी 6 बटे 2 का ना 2, 2 से 2 कट सकता है यहाँ, 5x बराबर यहाँ आपका आ गया 6 15, x बराबर 15/5 और 5 3 15, यहाँ आपका x का मान 5 आ गया। अब एक सवाल में आपको कमेंट बॉक्स में उसको आंसर देना है, एक सवाल आपको दे रहा हूँ उसका सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखिए वो सवाल क्या है, सवाल है आपका x का मान निकालना है, 3x+5 बराबर 2x+8, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और एक और सवाल ले लो, 2x+5x वो 5/8, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।